माता की बंदे बंदे। सबसे पहले मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सौभाग्यशाली है, हम सौभाग्यशाली है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे पहला दायित्व है कि नेशन फर्स्ट, देश सर्वोपरि, समाज सर्वोपरि, और उसके साथ इस राज्य में भी हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार 19 महीने की सरकार, और ये कैसी सरकार जिस पर हर झारखंडियों के मान सम्मान को धक्का देने वाली सरकार। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास चले जाइए और जाइए और कहिए कि मैं झारखंड से आया हूं, तो आपको कथा बताने की जरूरत नहीं। वहां के लोग बोलते हैं कि झारखंड में जो सत्ता में बैठा हुआ कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की जो टिकड़ी है, वो झारखंड को लूटने का काम कर रही है। हमारा सर शर्म से नीचे चला जाता है। 19 महीने की सरकार, विकास के बारे में बात की जाए तो 19 महीने में 19 किलोमीटर सड़क नहीं बनाने वाली सरकार, 19 महीने में 19 बिजली के खंभे लगाने का काम नहीं किया, 19 महीने में उस खंभे में जो बुझे हुए बल्ब है 19 बल्ब बदलने का काम नहीं किया दोस्तों, 19 महीने में 19 ट्रांसफार्मर बदलने का काम नहीं किया दोस्तों। और तो और, इस राज्य को लूटने के लिए जो खनिज संपदा है, जो खनिज संपदा है वो बालू है, और बालू की लूट की छूट किसने दी, तो किसने दी, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने दी। आयरन ओर की लूट किसने की, कोयले की तस्करी किसने की, और तो और शराब समाज के लिए होती है खराब, लेकिन शराब इस सरकार के लिए होती है आय का स्रोत, पॉकेट को भरने के लिए शराब का खेल। कैसा खेल, वही बिचौलियों को जो सत्ता के दलाल है, सत्ता के कलियारे में घूम रहे हैं, जिनको झारखंड और झारखंडी से कोई मतलब नहीं है, जो सरकार वास्तव में वही चला रहे हैं। बिचौलियों की सरकार, वही बिचौलियों के हाथ में इस राज्य के शराब के ठेके दे दिए गए दोस्तों, और उन शराब के ठेके से इस राज्य को कितना नुकसान होगा, तो 150 करोड़ रुपए प्रत्येक माह। उसको लूटने की इजाजत किसने दी दोस्तों? ये ऐसी सरकार है, आयरन ओर के दो ऐसे ठेके निकाले गए थे जिस पर 4700 करोड़ रुपए के ठेके निकाले गए थे, और उन 4700 करोड़ के ठेके में सबसे बड़ा किसी का अगर हिस्सा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का था। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इसको लूटने का छूट नहीं देंगे, और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपने, हमने मिलकर आंदोलन किया और उनको इसका वापस लेना पड़ा दोस्तों, वापस। जब महामारी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खाद्य सामग्री बांट रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, घर घर लोगों के हाथ दवाई बांट रहा था, उस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार कफन बांट रही थी, कफन बांट